प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, हमारी क्रियाओं का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन प्रक्रिया में उतरे बिना समझ में ना आ सके। आप सोचते हैं कि जो हम करते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता हमारे सारे जीवन पर, हमारे सारे लक्ष्य पर? बिल्कुल पड़ता है। आज जो हम कर्म करते हैं वही कल हमारा भविष्य बन जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग जो भाग्यवादी हैं, जो भाग्य को मानते हैं कि भाग्य में जो होगा वही होगा, लेकिन सच तो ये है आज हम जो भी करेंगे कल वही भाग्य बन जाएगा। भाग्य का निर्माण ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, कभी कभी आपको सुनकर यह आश्चर्य होता होगा जब आप देखते हैं अपने आप को गौर कर, या अपने आप को आप जब गौर से देखते हैं तो आपको ये जानकर आश्चर्य होता होगा कि ऐसा तो हमने किया नहीं, इसका फल आखिर हमें ऐसा कैसे मिला। लेकिन बात यह है कि हमारे जीवन में इतनी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि हम उनका ध्यान भी नहीं रख पाते, इसलिए जो भी घटित होता है वो उन्हीं क्रियाओं का फल होता है जो इतनी सूक्ष्म होती हैं जिनके बारे में हम ठीक तरह से जान नहीं पाते हैं। तो मैं अगर आपसे बात कहूं तो हर क्रिया का हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है। आज जैसे आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, आज जैसे आप चलते हैं, कल वही आपका भविष्य हो जाता है और वही आपके जीवन को कल निर्माण करेगा। आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आज आप कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका करना आपका कल बनाएगा, कल निर्मित करेगा। आज अगर आप अपने जीवन को ऐसे जी रहे हो जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे आपका मन आपको चलाता है वैसे ही आप चलने लगते हो। मन ने अभी कहा ये काम कर लो, फिर अचानक कहा नहीं ये नहीं वो कर लो, आप उसके पीछे लग पड़े। मन ने कही नहीं ये नहीं वो करो, इस तरह से मन आपको बहुत जगह दौड़ाता रहता है। अब आप उसके अगर पीछे चल दिए तो आपका जो कल, आपका जो भविष्य होगा वो उस तरह से होगा, एक तरह से डामाडोल, उसमें कुछ भी एक लयबद्धता नहीं होगी। वो सब कुछ ऐसे होगा जैसे कि सब कुछ अराजक हो रहा है। तो न तो आपको संतुष्टि मिलेगी, न आपको शांति मिलेगी, एक अशांति आपको हर समय घिरे रहेगी। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलें, एक दिशा में चलें, मान लीजिए कोई काम है आपको करना है, अभी आप क्या कर रहे हो कि आपने जीवन में अभी एक लक्ष्य बना रखा है कि ये चीजें हमें करनी है। लक्ष्य ना भी बनाया हो तो आपको पता होगा कि हमें ये करना है, लेकिन हम करते क्या हैं? कभी तो कोई फिल्म देख ली थोड़ी देर के लिए, वहां से हटे तो किसी दूसरी चीज में लग गए, वहां से हटे तो किसी दूसरी चीज में लग गए। जो मेन चीज है उसको हम भूलते जाते हैं या उसके लिए बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं। अब जब हमारा कल आता है, फ्यूचर आता है, तो वहां हमें असफलता हमारे हाथ में लगती है। जब असफलता हमारे हाथ में लगती है तो फिर हम सोचते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या ये भाग्य की वजह से होता है, क्या ये हमारे भाग्य में नहीं था इस वजह से हुआ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमने जो किया, जिस तरह से किया, उसको एक डायरेक्शन न देके एक विक्षिप्त तरीके से किया, इसलिए उसमें सफलता नहीं मिली और वो चीज हम हासिल नहीं कर पाए, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए। तो जो भी आप अपने जीवन में अभी कर रहे हैं उनमें आप चीजों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें। अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका मेन काम है, जैसे मान लीजिए आपको अभी कहीं पहुंचना है, एक लक्ष्य बना लिया है आपने कि मुझे इस चीज में सफल होना है। किसी भी क्षेत्र में कोई बिजनेस है, उस क्षेत्र में आपको सफल होना है, उसके बारे में आपको जानना है,
तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को कीजिए, क्योंकि करने से वो चीज आने लगेगी धीरे धीरे। जब आप उस पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक वो क्षमताएं उत्पन्न होने लगेंगी। क्षमताएं तो अंदर हैं, लेकिन होता क्या है कि जब मन बहुत जगह बटा होता है तो वो चीजें एकत्रित नहीं हो पाती, वो चारों तरफ फैल जाती है। अगर मैं बात कहूं उससे, क्षमता से मेरा मतलब है आपकी ऊर्जाएं, आपकी ऊर्जाएं चारों तरफ फैली हैं, इसलिए वो सही डायरेक्शन नहीं ले पाती। लेकिन जब आप उस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देते हो तो वो एक सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है और उस चीज में आप सफल हो सकते हो और उसमें आप सफल हो भी जाते हो। तो सारी बात इसकी है कि आप किस तरह से अपने जीवन को जीते हो। ये बात शांति के संबंध में भी है, आध्यात्म के संबंध में भी है। चाहे आप प्रार्थना, आप परमात्मा की तरफ जा रहे हो, आध्यात्म की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने जीवन को एक आप पूर्ण रूप से नहीं जीते हो, यानी जिस भी काम में आप लगे हो उसमें आप पूर्णता लाने की कोशिश करें, यानी उसे आप पूरा जोर देकर करें। और जोर आपको देना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं देना है। होता क्या है, जो हमारी ऊर्जा इधर उधर डायरेक्शन में बटी होती है, वहां से थोड़ा सा ध्यान हटा के उस डायरेक्शन में हमें चलना है जिसमें हम चलना चाहते हैं। बस सारी ऊर्जा एकत्रित होना स्टार्ट कर देंगी। तो जब भी आपने सुना होगा कि पूरे मन से नहीं किया होगा, पूरा नहीं किया होगा, उसका कुल मतलब इतना ही है कि जो हमारी ऊर्जाएं, हमारा मन जो चारों तरफ बिखरा होता है, उनसे आपको हटाना है और एक डायरेक्शन में लगा देना है। ये सहज होगा, कोई आपको इसके लिए प्रेशराइज नहीं करना, आपकी ऊर्जाएं अपने आप उसकी तरफ आपको ले जाएंगी। बस आपको उनको थोड़ा सा सहारा देना है, उन्हें थोड़े से सहारे की जरूरत है, उन ऊर्जाओं को जिनको आपको एक डायरेक्शन में लेना है, और वो उस दिशा में चल पड़ेंगे। तो जो भी काम आप करना चाहते हो, उसकी तरफ आप अग्रसर होना चाहते हो, तो उसकी तरफ आप लगें, उस डायरेक्शन में आप चलें। आप अगर ध्यान कर रहे हो तो आप ध्यान कंटिन्यूस कीजिए। अभी आपने एक दिन किया और फिर छोड़ दिया कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा। वैसे तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ तो होता है, लेकिन फिर भी आप लापरवाही कर जाते हैं, नहीं करते। तो कुछ दिन जब आप एक डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी ऊर्जाएं सही दिशा में चलने लगती हैं। तो मैं अगर आपसे एक बात करूं कि सब कुछ आपको कैसे सही करना है, तो आप एक ध्यान को चुन लीजिए, एक ध्यान का मार्ग पकड़ लीजिए, बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ध्यान अपने आप सब ठीक कर देगा, आपकी ऊर्जाओं को वो सही डायरेक्शन में खुद ब खुद लगा देगा। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, अगर बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है तो ध्यान लगा देगा उनको। कोई सा भी आप ध्यान कर सकते हो, आधा घंटा या एक घंटा। आप बैठ जाइए सहज, आधा घंटे तक गहरी सांस लीजिए धीरे धीरे और छोड़िए। धीरे धीरे लेना है आपको, बहुत ही सहजता के साथ, और छोड़ना है। लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। इनको आप अनापान सति योग भी कहते हैं, कुछ विपस्सना भी कहते हैं। बुद्ध की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप दिन में अगर आप उसको दो दो बार कर लें आधा आधा घंटा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में चीज बन जाएगी। ये ध्यान आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपकी ऊर्जाओं को एक डायरेक्शन में ले चलेगा, और वो चीजें आपको घटित होंगी 3 महीने अगर आप ऐसा करेंगे तो, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। 3 महीने करके देख लीजिए। लेकिन हम 3 महीने भी इंतजार नहीं कर पाते, हम 3 महीने तक भी किसी भी चीज के को नहीं कर पाते, हम एक डायरेक्शन में नहीं चल पाते। 3 महीने तक अगर आप चल के देखें तो ये महसूस जरूर होगा आपको, ध्यान आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। तो बाकी चीजें अगर आपको ठीक करनी है जीवन की सारी चीजें, तो आप एक ध्यान को पकड़ लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये आप करके देखिए, जो मैंने कहा उसे आप बिल्कुल मत मानिए, करके देखिए आप कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, और आपको अगर लगे कुछ तो आगे करना, नहीं तो मत करना, वरना आपका जाएगा क्या। अगर आप ध्यान भी करते हैं तो थोड़ा सा विश्राम ही हो जाएगा,
और जब हमारी ऊर्जाएं इधर उधर होती हैं, अगर मैं कहूं कि आपके विचार इधर उधर होते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं भी इधर उधर हो जाती हैं। तो ऐसा समझिए, एक लकड़ी है पतली सी, आप उसे तोड़ते हैं वो बहुत आसानी से टूट जाती है। आपने पहले भी ये कहानी सुनी होगी, और अगर आप ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हो तो वो कितनी भी आप ताकत लगाएं वो नहीं टूट पाती। यही आपके मन के सिस्टम है। जब वो एक डायरेक्शन में लगता है, एक डायरेक्शन क्या, या तो मन खत्म ही हो जाता है, मिट ही जाता है धीरे धीरे, आपकी ऊर्जा ही बचती है। ऊर्जा ही असली चीज है, मन का अर्थ ही है असल में। तो सच बात कहूं मैं, ये भी कहना गलत है कि मन को एक डायरेक्शन में लगाना है। मन का अर्थ ही ये है कि आप चारों तरफ हैं। आप अगर एक जगह हैं तो फिर आप मन से अलग हैं, फिर आप उस ऊर्जा के साथ जी रहे हो, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव एनर्जी। कुछ लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, उसका कुल मतलब इतना ही है कि आपका मन बहुत सारी दिशाओं में भाग रहा है, वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करता जाएगा। लेकिन आप एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ले आएगा धीरे धीरे। तो आप इस प्रयोग को करके देखें कुछ दिन अपने जीवन में, और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकारो।